लेकिन कभी ना कभी तेंदुओं की चोरी छिपे आगे बढ़ने की क्षमता इम्पाला की सजगता में किसी कमजोरी पर हावी हो जाएगी और एक जबरदस्त एथलीट दूसरे का शिकार हो जाएगा। हम अब मगांजी के इलाके के दक्षिणी छोर पर पहुंच गए हैं। यहाँ इतने सारे शिकार हैं कि नर तेंदुआ जरूर यही कहीं होगा। कुछ दिखा? नहीं, हम सुनने की कोशिश करते हैं। कई बार बस चुपचाप बैठकर आवाजों को सुनना ही सबसे अच्छा होता है। आप भी तेंदुए की तरह सुनकर हर तरह के सुराग हासिल कर सकते हैं। ये भी तेंदुए के छिपकर रहने में मदद करने वाली चीज है। उनके कान इंसानों से 5 गुना ज्यादा आवाजें सुन सकते हैं। ये घास में किसी चूहे की सरसराहट भी सुन सकते हैं। ढेर सारे परिंदे हैं। सुनो, ये फ्रैंकलिन की आवाज है। ये घबराया हुआ है। कोई खतरा नजर आने पर फ्रैंकलिन इस तरह की चेतावनी वाली आवाज निकालते हैं। यहाँ आसपास किसी तेंदुए के होने की काफी संभावना है। उधर चलकर देखते हैं, शायद उसका पता चल जाए। फ्रैंकलिन हमें किसी जीव की मौजूदगी के बारे में बता रहा था। यह उनके लिए जिंदगी या मौत का मामला होता है, इसीलिए उनकी चेतावनी को गंभीरता से लेना फायदेमंद रहता है। ओ हाँ, देखो धब्बे वहां पर, लगता है काफी बड़ा है। हाँ, ये एक नर है। उसकी दाहिनी आंख देखो, किसी पुरानी लड़ाई के जख्म से उसकी एक आंख नाकाम हो गई है। हम इसे पायरेट कहेंगे। नर, उम्र 8 साल, वजन लगभग 60 किलो। वो जा रहा है। ये जवानी के सबसे अच्छे दौर में है और नर तेंदुआ होने की वजह से इसका सारा ध्यान ताकतवर बने रहने और अपने इलाके पर कब्जा बनाए रखकर दूसरे नर तेंदुओं को उससे बाहर रखने पर है। मुमकिन है कि इसकी एक आंख किसी दूसरे नर से लड़ाई में फूटी हो। ये अपने इलाके में दूसरे नर तेंदुओं को बर्दाश्त नहीं करता। हालांकि इसे मजबूरन अपने इलाके में बड़ी बिल्लियों की अन्य प्रजातियों के साथ रहना पड़ता है। आकार और ताकत के मामले में 175 किलोग्राम का शेर सबसे भारी भरकम है। 47 किलो का तेंदुआ गठीला और ताकतवर होता है और 45 किलो का चीता लंबा और छरहरा जीव है। लेकिन वजन के अनुपात में तेंदुआ सबसे ताकतवर है। सिर्फ शिकार के लिए ही नहीं बल्कि मादाओं के साथ मिलन के अधिकार के लिहाज से भी इसका इलाका इसके लिए बहुत अहम है। नर तेंदुए का इलाका मादा से 3 गुना बड़ा होता है, इसलिए शायद पायरेट का इलाका 3 अलग अलग मादाओं के इलाके से मिलता है, जिनमें से एक मगांजी भी है। हाँ, वो अपने गाल पर मौजूद गंध वाली ग्रंथियों से गंध छोड़ रहा है। अब ये पिछले पंजों से खरोच रहा है और पेशाब छिड़क रहा है। ये अपने इलाके की पहचान के लिए रासायनिक संकेत छोड़ रहा है जो दूसरे नरों को दूर रहने की चेतावनी देता है। ये इसके भोजन और प्रजनन के अधिकारों के लिए पहली रक्षा पंक्ति है। ये नर पायरेट ही शायद मगांजी की बेटियों का पिता है, लेकिन तेंदुए हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाए रखकर अकेले ही रहते हैं। लेकिन कभी इनका आमना सामना हो जाए तो ये मुलाकात दोस्ताना होगी या इनमें झगड़ा हो जाएगा, हमें इसका पता लगाने के लिए इनके साथ रहना था। चौथी रात, 7:19। हम बच्चों वाली मादा मगांजी या नर पायरेट का फिर से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बेटियों का पेट भरने की कोशिश कर रही मगांजी के लिए प्रतिद्वंद्वी तेंदुए बहुत नुकसानदेह हैं। सुनो, ठीक है, शेर तेंदुओं के लिए शेर खतरनाक प्रतियोगी है। हम शेरों को पसंद करते हैं लेकिन तेंदुए इन्हें पसंद नहीं करते। ये दोनों बड़ी बिल्लियां हैं और इनमें एक बात सामान्य है, दोनों अपने शिकार के करीब पहुंचने के लिए छिपकर पीछा करने के तरीके का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन एकाकी तेंदुए के विपरीत शेर झुंड में रहकर बड़े शिकार को पकड़ने और मारने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। और तेंदुओं के लिए शेर सिर्फ प्रतिद्वंद्वी नहीं है, मौका मिलने पर शेर तेंदुओं के बच्चों और यहाँ तक कि वयस्कों को भी मार डालते हैं।
तेंदुए रात को देखने की अपनी क्षमता से उनका पता लगा सकते हैं। कमाल की बात है कि रात को देखने की उनकी क्षमता हमसे 6 गुना बेहतर होती है। ये ऐसे काम करती है, जब रोशनी आंखों के भीतर जाती है तो रॉड फोटो रिसेप्टर्स उसे सोख लेते हैं। इंसान के मुकाबले तेंदुओं की आंख में उनकी तादाद 5 गुना ज्यादा होती है। बची हुई रोशनी एक विशेष रिफ्लेक्टर से टकरा कर वापस लौटती है, जिससे रॉड्स को उन्हें सोखने का एक और मौका मिल जाता है। तेंदुए की रात की नजर की नकल के लिए हम अपने कैमरों पर विशेष नाइट विजन अटैचमेंट लगा रहे हैं, और नाइट विजन बायनोक्युलर से मैं भी अंधेरे में देख सकता हूँ, और हम भी वहाँ जाकर तेंदुए की तरह शिकार करेंगे। चलने को तैयार क्रिस? बिल्कुल। और किसी भी तेंदुए की तरह सबसे पहले हमें अपने शिकार का पता लगाना है। हाँ, बाई तरफ रोशनी है, रोशनी बंद, नाइट विजन ऑन। रात के समय बिल्कुल अलग दुनिया होती है। हम दिन में सक्रिय रहने वाले जीव हैं, इसलिए रात को तेंदुओं को कैसे दिखता है इसे हम अंधेरा होने पर नाइट विजन टेक्नोलॉजी ऑन करके ही समझ सकते हैं। इसे चालू करते ही अचानक दिखाई देने लगता है, और तेंदुओं के लिए रात अंधेरी नहीं होती। उनके शिकार के मुकाबले रात को देखने की उनकी क्षमता इतनी अच्छी होती है कि रात उनके लिए बस थोड़ी कम रोशनी वाला समय होता है। तेंदुआ किसी शिकार का पीछा करने में कई घंटे बिता सकता है, और शिकार के सजग रहने पर यह बिल्कुल नहीं हिलता और हर कदम खामोशी से रखता है। पंजों की गद्दियां संवेदनशील बालों से घिरी रहती है, जो महसूस कर सकती है कि खामोशी से किस जगह पर कदम रखा जा सकता है। और नाक के आसपास मौजूद बाल छुअन के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये नर्व के छोरों वाली तरल ग्रंथियों से जुड़े होते हैं, और ये आसपास की वनस्पति को महसूस करके सबसे खामोशी से गुजरने के रास्ते का पता लगा लेते हैं। इससे तेंदुओं को स्पर्श की विशेष दृष्टि मिलती है, जो छिपकर रहने में बहुत अहम है। वो खड़े होकर अपना शिकार चुन रहा है, और फिर बहुत धैर्य से बिना आवाज किए उसकी तरफ बढ़ रहा है। पीछा करते समय ये पेट के बल आगे बढ़ता है, और फिर टॉर्पीडो की तरह हमला कर देता है। मुझे अभी थोड़ा और करीब पहुंचना है। इन्हें पता चल गया। उन्होंने मुझे देख लिया और फटाफट भाग गए। आप छिपकर रहने की तेंदुए की शक्तियों को मामूली नहीं समझ सकते। रात के 1 बजे है, और हम इस उम्मीद के साथ मगांजी को ढूंढ रहे हैं कि उसे अपनी बेटियों का पेट भरने में कामयाबी मिल गई होगी। वहाँ है मार्टिन, मगांजी अपनी एक बेटी के साथ है। तुम्हें उसकी दूसरी बेटी नजर आ रही है? देखो, उनके पास कुछ है, उसने शिकार किया है। लकड़बग्घा, लकड़बग्घा, ये तेंदुओं के लिए बुरी खबर है। लकड़बग्घा, लकड़बग्घा। खाना चुराने वाले चित्तीदार लकड़बग्घे तेंदुए के अस्तित्व पर मंडराने वाले खतरे हैं। बेटी शिकार की ओर जा रही है, और माँ खतरे से बचाव के लिए सक्रिय हो गई है। लकड़बग्घे को गंध मिल गई है। लकड़बग्घा आया और माँ इम्पाला को उठाकर ऊपर चली गई। ये पेड़ अब इनका किला है। दूसरी बेटी कहाँ है? वो कहाँ गई? वहाँ, दूसरे पेड़ पर, काफी ऊपर है। वो जमीन से 9-10 मीटर ऊपर है। उसके लिए अच्छी जगह है। लकड़बग्घा लाश की तलाश में है। हाँ, ये हार नहीं मान रहा। इसे गंध मिल गई है, और ये ठीक वही जा रहा है जहां से उन्होंने शिकार को ऊपर खींचा था। मगांजी उसका सामना करेगी। बेटी ठीक उसके पीछे है। अब ये जबरदस्त दुश्मन के सामने है। तेंदुए लकड़बग्घों का लिहाज करते हैं। हो आक्रामक गुर्राहट, लकड़बग्घा और तेंदुआ, ये दो बड़े शिकारियों का आमना सामना है। तेंदुए का वजन 41 किलो है,
चित्तीदार लकड़बग्घे का वजन 63 किलो यानी मुगांजी से 22 किलो ज्यादा है। लकड़बग्घे तेंदुओं को मार डालते हैं और ये मादा बच्ची अभी से इन्हें नापसंद करने लगी है। वहां देखो, लकड़बग्घा एक ही बार में इस बच्ची की खोपड़ी कुचल सकता है, लेकिन लकड़बग्घे पेड़ पर नहीं चढ़ सकते और इन चोरों के खिलाफ ये तेंदुए का प्रमुख हथियार है। तेंदुए से मुकाबला असफल रहा और लकड़बग्घा हार मान चुका है। तो मगांजी पेड़ के जरिए ना सिर्फ अपने भोजन को बल्कि अपनी बेटियों को भी एक पुराने दुश्मन से बचा रही है। जमीन पर तेंदुआ लकड़बग्घे का सामना कर सकता है, लेकिन लड़ाइयों में नुकसान हो सकता है। और चूंकि लकड़बग्घे पेड़ पर नहीं चढ़ सकते और शेर भी इसमें माहिर नहीं होते, इसलिए पेड़ तेंदुओं का पलड़ा भारी करने में मदद करते हैं। खाने को दुश्मनों से बचाने के लिए उसे पेड़ पर ले जाने के लिए आपको काफी ताकतवर होना चाहिए। कद काठी के अनुपात में तेंदुए किसी भी बड़ी बिल्ली से ज्यादा ताकतवर होते हैं। हम अपने वजन से 2 से 3 गुना ज्यादा भारी शिकार को खींचकर पेड़ के ऊपर ले जाने वाले तेंदुए की ताकत का अंदाजा किस तरह लगा सकते हैं? बड़ा नर तेंदुआ 225 किलो तक के शिकार को पेड़ पर ले जा सकता है। मैं ये काम कभी नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं किसी औसत तेंदुए द्वारा अक्सर किए जाने वाले काम यानी अपने वजन जितनी भारी चीज को पेड़ पर ले जाने में कामयाब हो सकता हूँ? चलिए देखते हैं। बांध देता हूँ, आखिरी 3 को बैग में डाल देता हूँ। ठीक है, इतने वजन के साथ क्रिस मुश्किल से चल पा रहा है, लेकिन तेंदुआ इसे उठाकर तोड़ सकता है और बिल्कुल सीधे खड़े पेड़ पर चढ़ सकता है। इसे अपनी पूंछ से संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है और पेड़ वाकई तेंदुए का ही इलाका है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? नहीं, मुझे अकेले ही करना होगा। तुम कांप रहे हो, तुम ठीक हो? ध्यान से, टहनी टूट सकती है। तुम अब 154 किलो के हो। ये पागलपन है। कमाल की बात है कि मैंने ये सारा वजन अपने धड़ पर फैला रखा है, लेकिन तेंदुए इसे मुंह में थामे रखते हैं और उनके कंधों की मांसपेशियां उभरी हुई रहती हैं और तेंदुए के नाखून मुड़े हुए होते हैं ताकि मजबूत पकड़ बनाए रख सके। जूते काम नहीं कर सकते क्रिस? बस अब और नहीं। तुमने कर दिखाया क्रिस। बस यहीं तक। अभी ये वजन मत गिराना, ठीक है? मुझे इनसे छुटकारा पाना है। गिरा दो। ये गया। मैं वाकई तेंदुए की ताकत को मान गया। लकड़बग्घे और शेर यहाँ खाने के लिए मगांजी का मुकाबला करने वाले कई दुश्मन हैं, लेकिन दूसरे तेंदुए कैसे पेश आते हैं? क्या मगांजी अपने नर पायरेट को अपने इलाके में खाने के लिए प्रतिद्वंद्वी मानती है? हमें नर तेंदुए को ढूंढना था। 7वां दिन, हम मगांजी के इलाके की पूर्वी सीमा के पास पायरेट को ढूंढ रहे थे। हमें नदी की एक सूखी तलहटी मिल गई है जो तेंदुए के पंजों के निशान का पता लगाने के लिए अच्छी जगह है। उन्हें इसमें चलना अच्छा लगता है और हमें उनके पंजों के निशान दिख रहे हैं। पैदल पीछे करते हैं। खतरनाक साबित हो सकने वाले जीव जंतुओं के बीच इतने सालों तक रहने की वजह से मैं और क्रिस एक दूसरे की हिफाजत का ध्यान रखने के अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। यहाँ पैदल चलते समय आपको इम्पाला की तरह सोचना चाहिए और अपने आसपास की हर गतिविधि के बारे में सजग रहना चाहिए। तेंदुए खुद को छिपाए रखने में माहिर होते हैं। वो आपसे महज 3 मीटर दूर घास में लेटे हो सकते हैं और वहाँ से गुजरते हुए शायद आपको पता भी न चले। बहुत कम तेंदुए आदमखोर होते हैं, लेकिन जब इन्हें इंसान के गोश्त का स्वाद लग जाता है तो वो आसपास के लोगों के लिए जबरदस्त शिकारी बन सकते हैं। जब ये तेंदुए इंसान को अपना शिकार समझने लगते हैं तो वो घरों और झोपड़ियों में घुसकर भी उन्हें बाहर खींच लाते हैं और कई किलोमीटर दूर ले जाकर उन्हें खा जाते हैं। एक अकेले तेंदुए ने 400 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। अगर तेंदुआ ना चाहे तो आप उसे नहीं देख सकते।
किस्मत से अभी इस इलाके में किसी आदमखोर की जानकारी नहीं है। मार्टिन ये देखो, तेंदुए के निशान, ये नर है। और रुको क्रिस, दो तरह के निशान हैं। दो सेट है? हाँ, लगता है नर के साथ कोई मादा भी आ गई है। हाँ इसे देखो, दोनों के साइज अलग अलग है। ये मादा के निशान है और ये नर के निशान, जो इससे काफी बड़े हैं। तो इन दोनों के निशान साथ दिखने का अर्थ है कि शायद आगे मिलन कर रहे तेंदुए नजर आ जाएं। ये नर जरूर पायरेट होगा, ये उसका इलाका है। सवाल ये है कि वो किसके साथ है।